हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और तो या इसका मतलब इसको फर्स्ट डे कल हमने लिया तो सही, इसका रिव्यू करना बाकी था। तो कैसा परफॉर्मेंस? देखो परफॉर्मेंस में तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ इसमें और कार्नेज में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगा मुझे। आई थिंक पंप ज़्यादा मिला बिकॉज ऑफ 3000 mg कार मतलब ये था सिट्रिन था वो ज़्यादा था, तो पंप वॉज रियली गुड और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। इसके फ़ायदे हैं इसमें, मतलब इसमें जब जो जो इंग्रेडिएंट है थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, मतलब और थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट ज़्यादा भी है लाइक क्रेपी और इसमें, तो हाँ वही सेम प्राइस पे मुझे सिट्रिन ज़्यादा मिलता है, क्रीपी और मिलता है, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट ज़्यादा मिलते हैं, तो फ्लेवर तो हाँ दिस वॉज बेटर देन कार्नेज। 19-20 नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बट हाँ अच्छा। तो आज लग गया है, ये लेके जाते हैं इसको, लेट्स गो फॉर 2 मिनट्स फॉर वर्कआउट। बाय बाय भाई, लग पड़ती है भाई यार, माँ कसम मैं लग हर रोज आने से भाई क्लास से आने के बाद मैं ट्राई करता हूँ कि खा के सो ना, पर जैसे आँख बंद होती है जय श्री राम 4:30 के 5:30 बज जाते हैं, टाइमिंग की लग जाते हैं भाई। कोई नहीं 5:30 बजे लेट्स गो। कांड हो गया, इसको फ़ोन किया था, ट्राइपॉड घर पे छोड़ दिया। आज रिकॉर्ड कैसे होगा भाई, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। बैक टू द ओल्ड डेज, ट्राइपॉड भूल गए तो सहना तो पड़ेगा। ठीक है तो एंगल का पता नहीं, 65 की जगह नेक्स्ट टाइम वी गॉट 11:10:09। ऑब्वियसली यहाँ पे पुश करेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो क्या नहीं होगा, हो गई चलो लेट्स गो। कंट्रोल्स ट्राइपॉड नहीं लाया तो कहाँ कहाँ से एंगल बनाना पड़ता है बताए भाई। लेट्स गो। ओके तो हम स्टिक रहेंगे स्कॉट के साथ, बिकॉज स्कॉट्स पे उस दिन अलग ही लेवल का माइंड मसल फील हुआ था। या ओके हर बार के साथ 60 kg से 12 squats वार्म हो जाएगा, देन वी गो फॉर अवर मेन सेट। मेन सेट में आई थिंक से डायरेक्ट 90 स्टार्ट करूँगा और लास्ट से 100 का रहेगा, मतलब 60 का 1, 90 का 2 और 100 का 1। लेट्स गो। आई होप दे अंडर एंगल सही है वरना तो जीजी वाले प्लेट। ओके
पता नहीं मैं देख रहा हूँ कि नहीं, बट स्क्वाट्स मारने के बाद लेग प्रेस पे आते हैं ना, मैं भाई थक जाता हूँ, मेरे कमर की वाट लग जाती है। तो सेम वेट पे रहेंगे नेक्स्ट टाइम से, 15-15 एकदम स्लो एंड कंट्रोल। भाई कमर में इतना दर्द हो रहा है ना भाई, मर जाऊंगा मैं यार। जय श्री राम। इक्विपमेंट की कमी है, जैसा ये एंगल है। 94 kgs, मैं बहुत थक चुका हूँ भाई, आग लगने वाली है तो। और सो एक डिप देता हूँ अंकल, ऐसे कॉर्ड्स खोल के कॉर्ड्स को देख के तुम लोग कॉर्ड एक्सटेंशन करोगे ना तो माइंड मसल कुछ अलग ही बनता है। मेरे साथ ऐसा होता है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। कॉर्ड्स खोल लूँगा, जैसे इसके ऊपर लगना वो टाइम में कॉर्ड्स को देखूँगा पूरा टाइम, सारे जितना भी रेपिटेशन करूँगा माइंड में फिर ऑन टॉप। ओके और कम हो गया बट नहीं सर। जी सर, काफी जिसमें खाली काफी दिखेंगे क्योंकि पूरा दिखाना देगा, काफी फोकस नहीं रहता। हम मेरे ताकत में यहाँ पड़ा हुआ था, मैं आज भूल गया भाई। देखो मेरी गलती कोई नहीं है, आज का एंगल ख़राब सो पर आज हमारा खाना। हाँ तो आज का प्रैक्टिस सेशन अभी चालू करूँ मैं थोड़ी देर में, टाइम ले फाइनल, और फिर खाना साथ में खाऊंगा और फिर सोएंगे। तो हाँ टाइम ले
तो आज के सेशन में 13 में से 3 रॉन्ग हुए हैं बिकॉज ऑफ फर्स्ट वाला आई थिंक मैं मिस कर दिया, सेकंड रॉन्ग में मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ और थर्ड रॉन्ग जो हुआ ना उसमें मैंने एक वर्ड मिस किया। तो हाँ 13 में से 10 वॉज गुड गुड स्कोर, हमको सारे चाहिए राइट। सो हाँ विल ट्राई, अभी तो स्टार्टिंग है और मेरा मतलब और मेरा लिसनिंग बढ़ेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कि काम टॉक लेट्स डू मोर, बाय बाय।